नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आई हो आप सब ठीक होगी। आज बात करेंगे अनुपात एवं समानुपात के दूसरे टाइप के बारे में। बात करें पहले क्वेश्चन के बारे में, तो साथियों पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन रहेगा, यदि 3p बराबर 5q बराबर 15r दे रखा है, तो पूछा क्या है? पी अनुपात, क्यू अनुपात, आर बताना है। तो उसी तरीके से होगा जैसे कल आपको बताया गया था। कैसे किया जाएगा इसको? दे क्या रखा है? 3p दे रखा है बराबर 5q दे रखा है, इनको बराबर कितना दे रखा है? 15r दे रखा है, तीनों दे रखा है, तो तीनों को 15 से भाग कर देंगे तो कितना होगा? 3/15, 3p बराबर 15 बराबर 5³/15 बराबर 15r/15। इनको हल करेंगे आगे तो कितना बचेगा? पी बटा काटेंगे तो कितना बचेगा? 5 5 बराबर क्यू बटा 3 बराबर r/1। इसको काटेंगे कितना बचेगा? 5 3, 15 से 15 जाएगा, 1 बचेगा। इसको आगे सोल्व करेंगे। पूछा क्या है? पी अनुपात, क्यू अनुपात, आर पूछा है। पी कितना है? 5 अनुपात 3 अनुपात 1। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 अनुपात 3 अनुपात 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2a/3b है, तो a+b का मान बताना है, का मान क्या होगा? इसको कैसे सोल्व करेंगे? जैसे कल आपको बताया गया था उसी तरीके से करेंगे। देख क्या रखा है? 2a/3b, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो b/a/3/2, सॉरी सॉरी, 2/3। आगे इसको हल करेंगे तो क्या होगा? a+b/1 + 2/3 = 3, 3 * 3 = 5 5/3। 5 कैसे आया आपको बताया? 3a 3 * 3 3 * 2 5। तो इसका आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका आंसर क्या रहेगा? a+b का मान क्या आएगा? 5/3। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, a अनुपात b कितना दे रखा है मान? 5/3, तो क्या बताना है? a+b/a
माइनस बी का मान बताना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी बड़ी आसानी से सोल्व करेंगे, जैसे आपको बताया गया उसी तरीके से करेंगे। ए बटा बी मान कितना दे रखा है, 5:3 इनका मान दे रखा है। बात करें पर्सन के बारे में, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी तो कितना दे रखा है, 5 + 3 - 5 - 3। इसको हल करेंगे आगे तो 5 से 3 8 / 5 में से 3 काटेंगे 2, तो इनको काटेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1, तो कितना आएगा 1:4:1, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, कोई अनुक्रम दे रखा है, अनुक्रम दे रखा है 1 3 6 10 डॉट डॉट डॉट, आगे संख्या दे रखी है कि पांचवे तथा छठा पद अपन को पदों का अनुपात 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 पूछा है, क्या होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं साथियों, देखते हैं। देख क्या रखा है, 1 3 6 10 आगे कितना 15 21, तो कितना a + 2 बराबर 3, 3 + 3 बराबर 6 6 + 4 बराबर 10, 10 + 5 बराबर 15, 15 + 6 = 21। आ गए समझ में, कैसे आए 15 और 21 कैसे आए। इसी तरीके से इसको हल किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 10:18, 7:21, 12:16 और 8:20 का क्या पूछा है, न्यूनतम न्यूनतम अनुपात ज्ञात करना है, ज्ञात करना है न्यूनतम अनुपात बताना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे पहले किए थे उसी तरीके से इसको भी हल करना है। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देख क्या रखा है, 10:18 दे रखा है, तो इसको बट्टे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10/18 भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, भाग करने पर कितना है 18 में जाएगा, नहीं 0 पॉइंट, सो 18 5 और फिर से 5 भाग करने के बाद इसका इतना आएगा। दूसरा क्या दे रखा है, 7:21, इसको बट्टे में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 7/21 इसको भाग देने पर कितना आएगा, 7 में जाएगा नहीं 21 का 70 हो जाएगा, भाग 70 21 3 और 3। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 12:16, इसको बटे में लिखेंगे कैसे आएगा, 12/16 तो 16 का भाग देने पर कितना आएगा,
12 में तो 16 का भाग जाएगा, नहीं 0, 120 हो गई 16, 7 बच गए कितने, और भाग गया 16 का 5। नेक्स्ट अंक क्या बची, 8:20, इसको बटे में लिखेंगे 8/20, 20 का भाग 8 में तो जाएगा नहीं, तो इसको 80 कर देते हैं, 80 से 0 0 कट गए, 0.4, 40 बच गए ना। तो न्यूनतम अनुपात कितना साथियों, न्यूनतम है 0.33, ये तो है न्यूनतम, तो ये इसकी संख्या क्या आएगी, 3:7:21, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तो क्या बताऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1:21 और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, 0.09 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है, तो कितना रहेगा यह मध्य अनुपात। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में छपा हुआ भी है, इसको कैसे हल करेंगे, पसंद देख के घबराना नहीं है, आगे बढ़े। तो कितना होगा, 1:21 दे रखा है, एक्सिस को मान ले समानुपात, नहीं दे रखा एक्स मान लेते हैं, अनुपात 0.09 ये दे रखा है, तो आगे बढ़े, तो 1:21, 1/0.21/x, x बराबर कितना दे रखा है, 1/0.09 दे रखा है, तो अक्ष को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, अक्ष स्क्वायर बराबर 1.21 × 0.09, स्क्वायर करने के बाद एक्स बच गया, इधर आ जाएगा अंडर रूट 1.21 × 0.09, इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करने के बाद 1.1 × 0.3, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 0.33, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 0.33 का मध्य अनुपाती रहेगा। आ गए समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपात बी अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और दूसरा अनुपात दे रखा है बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है, तो क्या बताना है, तो बताना है ए अनु प्लस बी अनुपात, बी अन प्लस सी अनुपात, सी प्लस सी, सी अनुपात सी प्लस ए ज्ञात करना है, तो कितना ज्ञात करना है, 3 संख्या ज्ञात करनी है, इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करेंगे ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3
तीन दे रखा है। दूसरा बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना हुआ, 3:6 अनुपात 3:9 अनुपात 21। आगे समझ में, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 7 1 21। आ गए समझ में, चलो आगे बढ़े। तो आगे इसको हल्के से किया जाएगा, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए अनुपात। तो इसको हल्के से करेंगे, संख्या दे रखी है 2 प्लस 3 अनुपात 3 प्लस 7 अनुपात 7 प्लस 2, तो इनका मान कितना हुआ साथियों, 5:10:9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 5:10:9, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ए संख्या है जिसका कितना है, 1 का 30% बराबर बी का कितना दे रखा है, 0.25 बराबर सी का कितना दे रखा है, सी का दे रखा है 1/5। और अगला अपने को पूछना चाहता है ए अनुपात बी अनुपात सी पूछना चाहता है, तो इसको कैसे हल किया जाएगा, इसको भी बढ़िया आसानी से हल किया जा सकता है साथियों, घबराना नहीं है। इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ, क्या बताता हूँ ट्रिक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें ये ट्रिक लगाना है जिसे क्वेश्चन आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे ए का कितना दे रखा है, 30% दे रखा है बराबर बी का दे रखा है 0.25, तो इसको हल करेंगे, ए बटा बी बराबर 5/6 बराबर ए अनुपात बी कितना है अपने पास, 5:6। आगे इसी क्रम में बी का देखते हैं, बी का कितना दे रखा है, 25/ 100। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, सीका है 1/5, तो इसको करेंगे 20/C बराबर 4/5 बराबर बी अनुपात सी कितना आ गया अपने पास, 4:5 आ गए। तो इसको क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, तो कितना है ए कितना है, 20, 24, बी अपने पास 24 आ गए और सी कितना है, 30। तो इसको काटेंगे, तो काटने के बाद कितने है, 10 से काटें 2 से काट दें, 2 से काटेंगे 10, इसको 2 से काटेंगे 12, इसको 2 से काटेंगे 15। अब आगे कटेंगे नहीं, तो अपने पास कितना है, 10:12:15, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आप वैसे करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पेन, कितने पेन दे रखे हैं, 8 पेन
और तीन पेंसिल, पेंसिल पेंसिल का मूल्य कितना दे रखा है? का मूल्य दे रखा तीन पेन के बराबर, तीन पेन और नौ पेंसिल, पेंसिलों पेंसिलों का मूल्य, पेंसिलों के मूल्य के बराबर है, बराबर है। तो एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल क्या पूछे? पेंसिल, पेंसिल के बीच अनुपात पूछ सकता है अपने को, और यही पूछा है, ये अपने को बताना है। अक्सर एक सा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है जिसको बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, जब प्रश्न का सामना करेंगे तो बड़ा आसानी से इनकी आंसर भी अपने पास आने लगते हैं। देखो देख कैसे करते हैं, जैसे 8x+3y, पेन को अपने क्या माना, एक्स माना और पेंसिल को वाई मान रखा है, बराबर 3x+9y, बराबर इसको हल करेंगे आगे, 8x-3y बराबर 9y-3x, ये 3y, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना। 8x को एक जगह करते हैं, वो वाई वाई को एक जगह माइनस कर लेते हैं, तो कितना आया अपने पास, ये बचेंगे 5x, 8 में से 3 काटेंगे 5x बच गए, और 9y में से 3y काटेंगे तो कितने बच गए, 6y बच गए। तो x बटा y कितना आ गया, 6:5x, 6, ये संख्या आ गई। तो इसका अनुपात क्या होगा, 6:5, जिस इसका ये करेक्ट आंसर रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर ए का धन धन बी के धन धन से 4/9 गुणा है, और सी का धन, सी का धन बी के धन धन से 7/6 गुणा है, तो क्या पूछ सकता है अपने को, सी का धन धन ए से क्या अनुपात है, ये अपने को पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, चलो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे, ए का धन दे रखा है,
दे रखा है? चार अक्ष, धन को अक्ष मान लेते हैं, 9 दे रखा है, तथा बी का कितना दे रखा है? सिक्का, सिक्का तो 7 अक्ष, सी से कितना गुणा? 7 अक्ष बटा 6, तो सी का ए से कितना गुणा है? 7 अक्ष बटा 6 अनुपात 4 अक्ष बटा 9, ये संख्या आ गई। चलो इसको आगे हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो कितने आएगा? इसको गुणा करेंगे वजन गुणा, तो ये आएंगे 63 एक्स अनुपात, इसको वजन गुणा करेंगे 6 चौक 24 एक्स बटा अनुपात में कितने आएंगे? 9 चौक 9 9 छक्के 54। तो अपने पास क्या अनुपात आ गया? 63 अनुपात 24 अनुपात ये आ गया। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा अपने पास? बचेगा 21 अनुपात 8, ये इसका करेक्ट जवाब रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो शहरों के बीच की उड़ान का किराया, किराया कितना दे रखा है दो शहरों के बीच का? 9:11 के अनुपात अनुपात में बढ़ गया, तो किराया किराए में हुई हुई बढ़ोतरी रुपए में क्या है? क्या है अगर मूल किराया कितना दे रखा है? 18,000 रुपये दे दिया, 18,000 रुपया मूल किराया दे रखा है, तो इसको हल कैसे करेंगे? इसको बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है, जैसे कि आप देखते जाइए और प्रश्न को आप भी धीरे धीरे सोल्व करते रहिए। जैसे कि पुराना किराया, पुराना किराया बटा नया किराया, नया किराया, पुराना किराया कितना दे रखा है? 9:11 अनुपात में अपन को दे रखा है, बराबर 1800 दे रखा है, 18,000 रुपये दे रखा है बटा नया किराया आएगा, नया किराया बराबर 9/11। इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा? 18,000 × 11 बटा 9, इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 9 9 9 × 18 कितने आ गए? 2,000 × 11 बराबर 22,000 रुपये आगे। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 22,000 में से माइनस करेंगे पुराना किराया 18,000, माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 4,000 रुपये आ जाएगा, तो इसका करेक्ट जवाब क्या रहेगा? 4,000 रुपये नया किराया
मैं कह रहा है अपने पास कितना आया, 4,000 रुपये आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक स्कूल, एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, 550 छात्र हैं, छात्र है, लड़कों तथा लड़कियों, लड़कियों का अनुपात, अनुपात 6:5 है, कितने और लड़कियां, लड़कियां को स्कूल को स्कूल में शामिल किया जाना चाहिए ताकि लड़कों व लड़कियों का अनुपात कितना हो जाए, 5:6 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक स्कूल में लड़के व लड़कियों, लड़कियों का अनुपात, का अनुपात 5:3, 3 है, तो लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात कितना है, 7:1 है, एक है, तो क्या बताना है, विद्यार्थियों, विद्यार्थियों तथा तथा अध्यापकों, अध्यापकों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन आपको कल होमवर्क के लिए दिए जाते हैं, इनको हल करने की कोशिश करना, बाकी नहीं आते तो कल आपको बता दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।